सभी लोगों को मेरा प्रणाम अभिवादन। हमारे यहां कोई भी चीज एकाकी नहीं है। हमारे और जो संस्कृत वांग में है उसमें बराबर कहा गया है संगत सद्भव संवधर्म संगो मनानसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे। इस तरह की जो हमारी देववाणी है वेदवाणी है उसमें साथ साथ सब करने की स्थिति और आचार्य अध्यापक के लिए कई बार मैं इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं। आचार्य वह है जो पढ़ाने के साथ साथ पढ़ता रहता है। अभी मुझे मैंने अभी बोला तेजस्वी नाम अविधीतमस्तु सहनो भुनक्तु। हम दोनों यहां मैं और वहां आप हम साथ साथ ये सारे काम करें और साथ साथ पढ़ते हुए तेजस्वी दाता का रूप धारण करें यह हमारे यहां सिखाया गया है और यही आचार्य का मैं समझता हूं वह सद्गुण है जिसके कारण वह अपने उस बालक को जिसके पंच कोशों का विकास करने की बात हो रही थी उसको वह पंच कोशों को सबल बना दे। मुझे लगता है कि जो हमारी शिक्षा है उसका उद्देश्य ये है कि बालक शारीरिक रूप से सबल हो, प्राणिक रूप से वह संतुलित हो, मानसिक रूप से संयमित हो और बुद्धि की दृष्टि से वह विवेकशील और सत्यान्वेषी हो। और साथ ही साथ जो अंतिम हमारा जिसको हम परमानंद कहते हैं उसको प्राप्त करने के जो कुछ उपाय है वह उसमें आने चाहिए सेवा समर्पण। हमारे यहां कहा गया है कि तुलसी जग में आए थे कर लीजिए दो काम और देने को पूर्ण भले लेने को हटना। और इसी तरह से पर सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमा। तो हम हमारा जो कार्य है मैं अभी सुबह से लेकर और अब तक और यही और हम कर रहे हैं कि मेरे सामने आचार्य के सामने जो बालक बैठा है वह आत्मस्वरूप है। तेरे चरणों में भगवान उसे पहचान जरा। कई बार हम बालक को और मात्र बालक शिशु छोटा ऐसा समझकर और उसके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको भुला बैठते हैं। शिक्षा का उपदेश यही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जो शिक्षा का उपदेश है वह मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। यही कहिएगा कि बालक में छात्र में जो अंतर्निहित जो देवीय गुण है उन गुणों को विकसित करना आचार्य का काम एमएलओ का है, उत्प्रेरक का है। मैं पढ़ता था नौवीं दसवीं में तो उस समय और भाई वो ऑक्सीजन कैसे बनाते हैं KCl3+MnO2 दोनों को गर्म करिए तो उधर से कैल्शियम क्लोराइड O2 और प्लस MnO2 MnO2 वैसे ही रहता है और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है प्राणवायु और बन जाती है। ऐसे ही आचार्य का काम जो है वह ऐसे ही आचार्य गुणों को चुनता है। अगर हम आचार्य के विषय में कहना चाहें तो गुणों को चुनता है, फिर उनको अपनाता है स्वयं, फिर वह अपने व्यवहार में लाता है, तदुपरांत वह बालक के अंदर वह उन गुणों को भरता है। आचरोती अपनाता है, व्यवहार करता है, स्थापना करता है। इसी प्रकार से आचार्य के लिए चार शब्द और मुझे ध्यान में आते हैं कि अपने बालक को जानो। हम लोग अटेंडेंस जब लेते हैं कई बार तो अनुक्रमांक बोलते हैं, नाम तो हमें ध्यान ही नहीं रहता, कैदियों की तरह से उनकी अटेंडेंस ली जाती है। क्या हम उसे उनको नाम से पुकार सकते हैं? पहले जानिए, समझिए, अपनाइए, तदुपरांत शिक्षा दीजिए, तो शायद हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं ये बातें खाली इसलिए बता रहा हूं कि जो सारा कुछ आज सारे दिन हुआ है उसको एक बार हम स्मरण कर ले, और साथ ही साथ यहाँ पर चारों तरफ जो कुछ है उसे भी समेट। यहाँ नीचे वो प्रश्न हुआ, चलने दीजिए थोड़ी देर को। यहाँ लिखा है सा विद्यालय मुक्त है, विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। महाप्राण निराला ने कहा है सरस्वती वंदना में, काठ कोटि उड़के बंधन स्तर बहा जनन ज्योतिर्मय निर्जर, कलुष भेद तम हर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। ऐसी हमने माँ सरस्वती से प्रार्थना की है कि कुछ ऐसा हो जाए कि संपूर्ण जगत वह ज्योतित हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। और विमुक्ति की जब हम बात करते हैं तो किस किस से विमुक्ति चाहिए? पक्ष वाले ने सुबह भी बात हुई थी, यदि हमारे अंदर विषमताएं हैं, वह भेद है, कलुष है, तम है, इनको समाप्त करके और संपूर्ण जग को आलोकित कर सके, यह प्रार्थना भी हम लोग करते हैं। तो ऐसे बंधनों से मुक्ति दिलाना ही शिक्षा का काम। शिक्षा मात्र डिग्री प्राप्त करना नहीं है, उसको हम लिटरेसी कह सकते हैं। कोई भी एक डिग्रीधारी व्यक्ति कैन बी द लिटरेट पर्सन, बट इट इज नॉट श्योर दैट ही इज एजुकेटेड। इस बात को समझने की आवश्यकता और भर लिखा है, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। और अमृत शब्द का है, हम सब तो उसी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस पड़ल विसाई बंधियों की मृतक की नाई। हम तो ईश्वर का अंश है और जो मेरे में अंश है वो आत्म में भी है, इसलिए आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचार। जो मुझे अच्छा नहीं लगता और दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए, विश्व शांति का एक बहुत बड़ा सूत्र भी है। हमारा जो संपूर्ण शिक्षा का क्रम चला है, अगर हम उसको अपने व्यवहार में लाए तो आज विश्व की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान तो क्या समग्र विकास, यह एक प्रक्रिया है। एंड द रिजल्ट एंड द कैरेक्टर, और उसका जो परिणाम है ना कैरेक्टर। हमारे यहां तो कैरेक्टर के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशा अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षयेन प्रकृत्यां सर्वं मानवः। हम तो इतने विचारवान और चरित्रवान रहे हैं कि संसार के लोगों को हमने बहुत कुछ दिया है। तो वह जो चरित्र है और वह जो व्यक्तित्व निर्माण है, ये एक दूसरे के साथ गुथे हुए।
वृद्धि है तो चक्रीय विकास, अन्नमय कोष से आनंदमय कोष की ओर जाते हैं और आनंदमय कोष से फिर अन्नमय कोष से होते हुए और फिर ये सब एक दूसरे के साथ समन्वित करते हुए और इन कोषों का विकास होता है। कोई भी कोष अलग से नहीं है, अखंड मंडलाकार यह विकास है और उस आधार पर भी ही हमें अपने बालक को आगे बढ़ाना चाहिए। उसे काफी चर्चा हुई है और उसी बात को अगर आपके मन में कोई शंका है तो समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारी बातें कि हमें भी पता नहीं है और मैं तो ये मानता हूं कि वादे वादे जाए थे तत्व बोधा, बातचीत से ही और समाधान निकलता है। तो हम में से और किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो उनको रखे और फिर उसका उत्तर जो हो सकता है अगर अपनी क्षमता में तो उसका उत्तर हम दे। शायद समय जो है वह आपको बोलने ना बोलने के लिए विवश कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो है क्या आप कह रहे थे दूसरा कौन है? हाँ सर बोलिए सर, आप कहने वाले सब। मेरा जो मुख्य विषय यह है अन्वय कोष से लेकर अन्वय कोष, प्राणमय कोष, ज्ञानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, जो आनंद की जो अवस्था है वो क्या है, मोक्ष क्या चीज है, क्या आदमी कहते हैं आवागमन के जाने के उपरांत व्यक्ति को परमात्मा में मिल जाना होता सालोक्य सालोक्य सायुज्य तो पूछे पहुंच गए सामीप्य। ये तमाम चारों मुक्तियां में यदि कोई मुक्ति मिल जाती है तो जीव की कौन सी अवस्था होती है, क्या मोक्ष ही जीवन है, ये विषय है। आपने बहुत ऊंचा प्रश्न कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अपने यहां कई सारे दर्शन चले हैं हम दर्शन दीदी दीदी ये सुनेंगे ना ये सुनेंगे ना सभी आप सुने देंगे तो सुनेंगे, क्षमा करिएगा बराबर पढ़ाता रहा हूं 40 साल पढ़ाया है तो सामने वाली गतिविधियां मुझे दिखाई देती है, क्षमा करना। आप सब लोग बड़े विद्वान हैं और साथ ही साथ मैं एक बात और शुरू में कहना चाह रहा था, वैसे आपने परिचय नहीं कराया अपना। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं जो हूँ पढ़ा चुका हूँ परिचय तो सर अभी आपने बोला था ईश्वर श्री अविनाशी चेतन अमल से पढ़े राम राम आपको स्वरूप आपको चार वर्णन करने के लिए जब पहचान लिया तो मैं वंदना करूँगा। ये हम यहाँ पे लड़ने के लिए थोड़े बैठे हम बात कर रहे हैं और बातों में से ही तत्व निकलता है। नहीं सुन रहा है सबको फॉरदर्स की जरूरत नहीं, किसको नहीं सुन रहा, आपको सुन रहा सर? हाँ मेरी बात सुनाई देगी क्योंकि और मैं जो हूँ यहाँ से ना बोलकर आत्मिक स्वरूप से बोलता है कि जीवन जो है उसकी सार्थकता किसमें, क्या जीवन की सार्थकता मात्र सफलता में है या जीवन की सार्थकता किसी लक्ष्य के लिए लगे रहने में है।